दोस्तों इस वीडियो में बात करने वाले हैं IRCTC के बारे में। जैसा कि आपको पता है कि वीकेंड का टाइम बहुत ज़्यादा स्पेशल होता है, क्योंकि यहाँ पर जो भी न्यूज़ निकल कर आती है वो डायरेक्ट इम्पैक्ट डालती है मंडे के दिन उसकी शेयर प्राइस पर। तो IRCTC के दिन भी हमें आज के दिन एक बड़ी अपडेट्स देखने को मिल रही है। IRCTC के चेयरमैन एंड MD की तरफ से एक यहाँ पर स्टेटमेंट निकल कर आया है, जिसमें एक और क्रूज़ बुकिंग की डील यहाँ पर इनके साथ में देखने को मिल रही है। साथ ही साथ इस न्यूज़ का इम्पैक्ट भी आपको मंडे के दिन IRCTC की शेयर प्राइस के ऊपर देखने को मिल सकता है। और इसी के साथ में, जैसा कि आपको पता है कि मंडे का दिन IRCTC के शेयर होल्डर्स के लिए बहुत ज़्यादा खास होने वाला है, क्योंकि मंडे के दिन ही हमें IRCTC के Q2 के रिजल्ट भी यहाँ पर देखने को मिलने वाले हैं। तो बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं और बात करते हैं कंप्लीट डिटेल्स के बारे में। उसके पहले यदि आपने चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। साथ ही साथ अगर आपने अभी तक अपस्टॉक जैसे बड़े प्लेटफॉर्म के ऊपर अपना फ्री डीमैट अकाउंट ओपन नहीं करा रखा है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। लास्ट ट्रेडिंग सेशन में हमें IRCTC के अंदर बहुत ज़्यादा वॉलेटिलिटी देखने को मिली थी। जैसा कि आपको पता है कि मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे की तरफ से जो इनके कन्वीनियंस फी की शेयरिंग को लेकर अपडेट्स निकल कर आई थी, जिस कारण से IRCTC की शेयर प्राइस के अंदर हमें 20% का लोअर सर्किट देखने को मिल चुका था। लेकिन आफ्टर सम टाइम मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे की तरफ से अपनी नोटिफिकेशन को वापस विड्रॉल कर लिया गया, जिस कारण से IRCTC के अंदर वापस हमें रिकवरी देखने को मिली एक यहाँ, और उसके बाद शेयर होल्डर्स ने यहाँ पर राहत की सांस ली है। लेकिन आज ही के दिन हमें IRCTC के चेयरमैन एंड MD हजीजा जी की तरफ से यहाँ पर कुछ बड़ी अपडेट्स आते हुए देखने को मिल रही है। तो बिना किसी देरी के मैं आपको उस रिपोर्ट की तरफ लेकर चलता हूँ जो आज ही के दिन निकल कर आई है। तो आप देख सकते हैं, सबसे पहले यहाँ पर आप डेट और टाइम कंफर्म कर लीजिए, 30 अक्टूबर 2021 आज ही के दिन आफ्टरनून सेशन में ही ये न्यूज़ निकल कर आई है, जिसमें सबसे पहला क्वेश्चन जो रजनी हसीजा जी से किया गया, जो कि चेयरमैन एंड MD है IRCTC की, कि यहाँ पर जो गवर्नमेंट ने यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे ने जो नोटिफिकेशन वापस विड्रॉल किया है उसके पीछे का रीज़न क्या है। तो यहाँ पर रजनी हसीजा जी का कहना है कि हमने मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे के साथ में यानी कि IRCTC ने मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे के सामने अपनी सारी चीज़ें क्लियर कर दी थी कि उन्हें कितना रेवेन्यू होता है, साथ ही साथ उनके एक्सपेंडिचर और सारी सिचुएशंस उन्हें यहां पर एक्सप्लेन कर दी थी, जिसको देखते हुए यहां पर मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे ने वापस अपना डिसीजन विड्रॉल करने के लिए यहां पर, साथ ही साथ IRCTC को लेकर और यहाँ पर जो क्वेश्चंस निकल कर आए उसके रिप्लाई भी बहुत सेटिस्फाइड वाले हमें देखने को मिल रहे हैं, यानी कि IRCTC अब हमें कमिंग बैकअप करते हुए देखने को मिल रही है। और साथ ही साथ में इनका जो रेल नीर का जो सेल्स है वो भी यहाँ पर अब ग्रोइंग स्टेज में हमें देखने को मिल रहा है। करंटली आपको IRCTC की तरफ से देख सकते हैं आप 7 ट्रेन्स यहाँ पर कंटिन्यू होते हुए देखने को मिल रही है कोविड इम्पैक्ट के बाद में, और इन्होंने एक्सपेक्टेशन जताई है कि आने वाले टाइम में सब पूरी तरीके सारी चीज़ें नॉर्मलाइज होने वाली है। साथ ही साथ IRCTC ने अपने ऐप के थ्रू जो बस की बुकिंग यहाँ पर स्टार्ट करी है उसका भी इन्हें काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट मिल रहा है। और रिसेंटली जो क्रूज़ की बुकिंग भी हमें देखने को मिली थी, जिसमें IRCTC ने 2 क्रूज़ के साथ में यहाँ पर टाइप किया है, जिसमें आप नाम भी देख सकते हैं अनंतरा क्रूज एंड आर क्रूज के साथ में जो टाइप किया है, उसके बाद में हमें IRCTC की शेयर प्राइस के अंदर शानदार मूवमेंट भी देखने को मिल चुके थे। लेकिन फाइनली अब हमें IRCTC के अंदर वापस यहाँ पर एक और क्रूज के साथ डील होते हुए देखने को मिल रही है। आप देख सकते हैं वो लाइन भी मैंने आपके सामने हाईलाइटेड कर दी है, द क्रूज इन बनारस इज ऑल्सो इन कंसिडरेशन बिकॉज द क्रूज लाइनर टाइप इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम द लैंड टाइप। तो यहाँ पर जो आपको IRCTC के अंदर क्रूज के साथ में टाइप देखने को मिल रहा है, और वो बनारस के अंदर भी हमें अब इनका एक कंसिडरेशन देखने को मिल रहा है, और एक बड़ी डील और वापस आपको यहाँ पर IRCTC के अंदर अपकमिंग देखने को मिल सकती है। तो साथ ही साथ IRCTC ये भी बताया है कि इनकी जो क्रूज़ के साथ बुकिंग चल रही है वो आप यहाँ पर अगर देखेंगे तो लैंड टाइप से बिल्कुल डिफरेंट है, यानी कि जो इनकी बस बुकिंग से यहाँ पर टाइप होते हुए देखने को मिले हैं उससे बहुत ज़्यादा डिफरेंट यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है। एज पर लॉ के हिसाब से बात करें तो भी बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर डिफरेंट है। साथ ही साथ IRCTC की जो क्रूज़ की बुकिंग आपको रिसेंटली यहाँ पर अक्टूबर मंथ में स्टार्ट होते हुए देखने को मिली थी, अभी जो IRCTC की क्रूज़ की बुकिंग थी वो सिर्फ B2B फॉर्मेट में हमें देखने को मिल रही थी, लेकिन बहुत जल्दी IRCTC अपने क्रूज़ की बुकिंग को B2C फॉर्मेट में भी यहाँ पर ओपन करने वाला है, यानी कि हर एक नॉर्मल पर्सन भी यहाँ पर अब IRCTC की
से क्रूज की बुकिंग यहां पर कर पाएगा और एपीआई यानी कि एपीआई के थ्रू आप यहां पर क्रूज की बुकिंग कर पाएंगे। तो बहुत ही शानदार न्यूज़ हमें IRCTC की तरफ से ये आते हुए देखने को मिल रही है। अब IRCTC के अगर चार्ट पैटर्न की भी बात करें तो IRCTC का शेयर अभी हमें इसके 50 डे मूविंग एवरेज सपोर्ट और 200 डे मूविंग एवरेज सपोर्ट के बीच में यहाँ पर ट्रेड होते हुए देखने को मिल रहा है, जिस कारण से अगर आपने IRCTC के अंदर इन्वेस्टमेंट कर रखा है तो यहाँ पर आप 775 रुपीस के सपोर्ट लेवल को ध्यान में रखते हुए अपने रिस्क को मैनेज कर सकते हैं और इस शेयर्स के अंदर लॉन्ग टर्म पर्पज से अपनी पोजीशंस को बनाकर चल सकते हैं। साथ ही साथ मंडे के दिन IRCTC के जो टारगेट प्राइस निकल कर आ रहे हैं, पहला टारगेट 880 रुपये का, दूसरा टारगेट 925 रुपये का और तीसरा टारगेट 950 रुपये का आप देख कर लेकर यहाँ पर चल सकते हैं। अगर आप कैंडलस्टिक चार्ट्स में अगर इसकी वॉल्यूम बार्स भी देखेंगे तो आप देख सकते हैं लास्ट 2 डेज के अंदर हमें IRCTC के अंदर हाईएस्ट वॉल्यूम बेस काम यहां पर देखने को मिला है। उसके पीछे दो बड़े रीजन हैं। सबसे पहला रीजन, जैसा कि आपको पता है कि IRCTC का स्टॉक स्प्लिट हुआ है, जिस कारण से मार्केट के अंदर जो नंबर ऑफ शेयर्स थे वो बहुत ज़्यादा तेजी से इंक्रीज हो गए हैं, जिस कारण से हमें यहां पर जो वॉल्यूम बार्स है उसके अंदर भी इतनी बड़ी तेजी देखने को मिल रही है। साथ ही साथ IRCTC को लेकर रिटेल इन्वेस्टर काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हमें देखने को मिल रहे हैं, क्योंकि इसकी जो शेयर प्राइस है कल के दिन जो बहुत ज़्यादा तेज़ी से डिक्लाइन हुई थी, जिस कारण से यहाँ पर फ्रेश बाइंग हमें काफ़ी ज़्यादा आते हुए देखने को मिल रही है। हालांकि सेलिंग प्रेशर भी इस शेयर्स के ऊपर हमें देखने को मिल सकता है, क्योंकि शेयर्स अपने 52 वीक के हाई पर यहाँ पर ट्रेड होते हुए हमें देखने को मिल रहा था, जिसके बाद से इस शेयर्स के अंदर बहुत ज़्यादा डाउनफॉल आया है और यहाँ पर मंडे के दिन रिजल्ट के बाद यहाँ पर आपको प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल सकती है। जिस भी इन्वेस्टर का शॉर्ट टर्म टारगेट है वो यहाँ पर जो मैंने आपके साथ सपोर्ट लेवल शेयर करे हैं उन सपोर्ट लेवल को ध्यान में रखते हुए IRCTC के अंदर अपने रिस्क को मैनेज कर सकते हैं। 1 नवंबर 2021 के दिन आपको IRCTC के फाइनेंशियल रिजल्ट देखने को मिलने वाले हैं। रिजल्ट जैसे भी रहेंगे आपको हमारे टेलीग्राम चैनल और हमारे यूट्यूब चैनल से अपडेट कर दिए जाएंगे। तो यदि आपने अभी तक टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं कर रखा है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। साथ ही साथ यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, ताकि जैसे ही रिजल्ट अनाउंस हो आपको नोटिफिकेशन रिसीव्ड हो पाए। टेक्निकल लेवल्स की भी बात करें तो IRCTC को लेकर RSI लेवल और MFI लेवल पूरी तरीके से हमें यहाँ पर मिड रेंज में देखने को मिल रहे हैं। नो डाउट अगर आप यहाँ पर लॉन्ग टर्म पर्पज से बने हुए हैं तो आपको किसी प्रकार का पैनिक लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि लास्ट 2 वर्किंग डेज के अंदर हमें जो न्यूज़ आते हुए देखने को मिली है IRCTC के अंदर वो पूरी तरीके से शेयर होल्डर्स के फेवर में जा रही है। जी हाँ, शॉर्ट टर्म में आपको यहाँ पर करेक्शंस देखने को मिल सकते हैं, लेकिन आप उस गिरावट का बेनिफिट उठा सकते हैं और लॉन्ग टर्म पर्पस से इस शेयर्स के अंदर एवरेजिंग करते हुए चल सकते हैं। चलिए दोस्तों, उम्मीद है आपको वीडियो और अपडेट पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो और अपडेट पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड, स्टे अपडेटेड।